अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है? इसको मैं लेकर जा रहा हूँ कटिंग के लिए। इसकी कटिंग करवाता हूँ और वैक्सीनेशन इसकी करवाता हूँ। ठीक है, आराम से बैठ के ना अपनी सफाई वगैरह कर रहा है। हाँ जी मियाँ जी, चलें हैं? बैग मैंने, यार ये देखो जरा, बैग मैंने ऊपर से उतारा है, अच्छा भला डर्टी हुआ हुआ है। इस साइड से नहीं, इस साइड से इसको साफ करता हूँ। और कैसी? चल मेरा बच्चा तैयार हो जा, बहुत गंद मचा लिया तूने घर में। इसको बैग में डाल के ले आया हूँ, अब तो बैग भी इसके लिए छोटा हो गया। लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ। लम्बे रूट से आ गए भैया, सीधा वही चीज हो लिया लाइक। हाँ है। क्लीन, अच्छा क्लीन करेंगे आप। डॉक्टर पास खाली जाओ, 20 दिनों में क्लीन कर लेता है। हम तुमको पूरा करके देंगे, हेयर कट कर देगा, पूरा अच्छा कर देगा। और आपका आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 18 में फाइनल कर दो। 19 में फाइनल नहीं यार, 18 है तो आप लोग। हे हे, बात बात, एक मिनट किधर है? इसलिए कह रहे इतने 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 ठीक है। बाल गिरेंगे नहीं, हाँ ये गिरने नहीं चाहिए, बाल नहीं गिरेंगे। जो हम लोग काट रहे हैं ना, ये पूरा काट रहे हैं। वैक्सीनेशन का आप उनसे पूछे जी जी कि वैक्सीनेशन का क्या लेते हैं आप? इतना देर तक आ जाएंगे मेरा बाबा, यार हो गया भाई बाप। इसको साथ ट्रीट देनी चाहिए। है आपके पास कुछ पड़ा हुआ? बहुत मुश्किल है कसम से इनकी कटिंग करना। वो देखो उनको अच्छा भला काट रहा है। ये देखो, ये रगड़ दिया सारे इसे। ये देख नीचे, ये किसने उठाना गन सारा है? तो ये दोबारा फिर आ जाएंगे अगर साफ होगा तो? क्या ये नियर में नहीं आएंगे दोबारा? अच्छा, बात ये खिला दे, शावर करेंगे, शावर के बाद अच्छे से पूरे मेडिकल से ही नहीं आएगा दोबारा खिला। ओके ओके, बस सर नाउ बस फिनिश हो गया, बस अब हम जा रहे हैं घर जा रहे हैं। सब खिलौने बेकार है कसम से, सिर्फ 1-2 मिनट की मार है, 5 मिनट इन्होंने खेलना है और बाद में इनको चाहिए क्या? ढक्कन और शापर। देखो इनके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन वो ये वो सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हैं। ये नेल कटर, ये बॉल्स, ये भी है रॉयल कैनन। ये इस तरह का होना चाहिए। अब ये हो रहा है बड़ा है ना, लेकिन इसमें मतलब 10 किलो दे दे रेता ये नहीं है। ओए इनसे आया हूँ मैं, पूछता तो हूँ ना सैंड का, इतनी महंगी जो लेकर जाता हूँ। आगे भी एक दुकान है, उससे भी पूछता हूँ सैंड का। वो आगे अब उसके ना कान वगैरह साफ कर रहे हैं। इसके कान साफ कर रहे हैं, फिर इसके गर्दन से थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। बाल इसके ठीक हो गए, छोटे छोटे ही ठीक है यार, इतने ज्यादा। इस
उसके मैंने मैं साफ किए थे कान, ये इजीली साफ करवा लेते, लेकिन पता नहीं लास्ट टाइम मुझे नहीं याद रहा या करना इसका। इतना काम होने के बाद ना इसको ट्रीट तो मिलनी चाहिए ना। ये देखो बहुत मुश्किल है कैट का काम करना कसम से, वो तो भाई फेरते हैं ये है। शॉप इनकी अच्छी है, ये देखो एक बिल्ली आई है छोटी सी, छोटी सी नहीं है ये, तुर्किश और पर्शियनी दोनों का मेरे ख्याल से क्रॉस है। ये बहुत प्यारी है, छोटी सी और एक साल की है, और ऐसे लगती है जैसे पता नहीं है नन्ना मुन्ना बच्चा दो माँ का। इसकी मामा भी इसे छोड़ के गई है, दिखाऊं आपको। हेलो, हाय क्यूटी। इतनी छोटी थी आई, इसको ना ले जाए, एक साल की है वैसे ये, कैसी थे जोड़ दी, इड्डी को है ना कोई बिल्ली का समय, कैसी नु भी खुश कर दी ये है। अभी अपना नहाएगा धोएगा, यार इसके दुम पे भी ना वो बना हुआ था, अच्छा आप मुंह पे भी डाल रहे हैं ना पानी है ना, इस वजह से कर रहा है, वरना कर रहा है ऐसे नहीं करता। इसके कान में नहीं रखा वो किया, रख दिया मैंने कहा पता नहीं वो आप बोल रहे ये भी पा। अच्छा नहाते हुए चूही निकल आते हैं ये, दिल्ली हवा और पानी से बहुत होता है, हवा में छीन चाल होगा वो वाला। हाँ जी तुम क्या बोलो, डरेगा ये कितनी क्यूट है छोटी सी। मैं इस बार ही चू चू करी जाना। ट्रीट लेते हैं इसके लिए जी, इतनी उसने सख्ती बर्दाश्त की है, बहुत मुश्किल है कसम से इनके बाल बाल काटना नहलाना, तो भाई फेंक देते हैं। ये देखो ये कितना प्यारा है, लेकिन ये तो फीमेल का, मेल का मिले ना इसकी एज का, इससे ये ना पूछो ये कितने का। एक ये भी है मेल का, क्या कहते हो ये मेल का कि फीमेल का पता नहीं यार, मुझे तो नहीं समझ आ रही, लेकिन पूछ लेते हो मेल का कौन कौन सा है। लितर इनू पुआ दी ना तो बेहतर हो जाए। ये क्या डॉन का ये है ना, देखो ईट स्लीप प्ले छोटे बच्चों का, लेकिन कैसे अब छोटा नहीं ना रहा माशाल्लाह, अब ये बड़ा हो गया अच्छे से, आज इसकी धुलाई हुई है ना, सफाई हुई है, अब बंदे का पुत्र निकल आया ये। चलो जी फिनिश हो गया, बस इतना सा काम था। फिश वगैरह दिखाऊंगा आप सबको, इनके इधर आ जाए ना फिश की तो इधर स्मेल ही अलग होती है, ये कितनी प्यारी है। वो भी लेकर गए हैं उसको वैक्सीनेशन के लिए, मैंने कहा उतनी देर इधर वेट कर लेते हैं। ये चेक करो कितने प्यारे हैं सॉफ्ट से, लेकिन पता नहीं ये इनकी प्राइस वगैरह क्या है, इनके पास काफी स्टॉक है। बस ये कितने का है, ये
ब्रश वगैरह तो अब किसी काम के नहीं रहे ना। ये चेक करो 141 नहीं हाउ मच रिड्यूस, लेकिन फिर भी रिड्यूस करके भी रॉयल कैनन तो है एक्सपेंसिव ही है ना दूसरे फूड के निस्बत। आई एम सेइंग इफ यू विल रिड्यूस हाउ मच यू कैन रिड्यूस 20 दिरहम 25 दिरहम 30 दिरहम 10 और 15 सो दैट्स द मैक्सिमम 15 दिरहम यू आर रिड्यूसिंग प्राइस फिक्स्ड बाय द कंपनी या ओके सो वी विल ट्राई हाँ रिड्यूस करके भी तो इतनी प्राइस भी रहनी फायदा, लेकिन ये है कि चलो देखेंगे किसी दिन। 100 दिरहम का था ये तो इसका मतलब है दूसरे भी इतने इतने के ही होंगे 170-180 दिरहम। ब्रिटिश नो दिस इज ओनली फॉर ब्रिटिश शॉट हियर नो आई हैव अ पर्शियन तो नॉट टू मच डिफरेंट सेम फाइनली पहुंच गए हम घर। इसको निकालो बाहर ये देखो जरा उन्होंने रिबन डाल बांध के दिया। मैंने कहा ये किस लिए, कहते जो भी हमारे इधर आता है ना उसको हम लाजमी रिबन डालते कैसी यार इसके ना मैंने इतने ज्यादा छोटे नहीं करवाने थे, भला क्या बात है। इसके ना नीचे इधर और इस साइड पे तीन जगह पे ना बाल इतने ज्यादा ना बिल्कुल साथ जुड़े हुए थे, और वो बोल रहा था कि भाई इनको बहुत पेन होती है ये उतारते हुए तो ये लाजमी है। और दूसरा इसके इधर ये दुम के अंदर कह रहा था ये रमाइट्स हो रहे हैं, ये इसके इस साइड पे कह रहा था ये रमाइट्स हो रहे हैं, ये आपको सारे कटवाने पड़ेंगे वरना इसके ये बढ़ जाएगा। कैसी तो बिल्कुल ही गंजा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं एक महीने के अंदर अंदर आ जाएंगे फिर बाल इसके। फर्स्ट कटिंग थी इसकी, जरूरी था ये दो तीन जगह से इसके कटिंग करवाना। और ये देखो एक ये इसका मिला मुझे, इधर से 5 लीटर का मिल रहा था, इधर से 17 दिरहम का 5 लीटर का मिलता है, ये 25 दिरहम का मुझे 10 का मिला। मैंने कहा ये ले जा, ये इतने भी छोटे नहीं करा, ये बाल हैं इसके लेकिन कैसे अचानक ही इतने इतने बड़े बालों से एकदम ही छोटे बाल देख रहे हैं ना, ये देखो उतर अभी भी रहे हैं। तो कैसे ये उतार इसको, चल मेरा बच्चा इधर दिखा, इधर फेस इधर कर गंजाई हो गया है। एक काम और किया इसका मैंने, कल गए तो हैं लगे हाथ ना काम खत्म करते, इसकी वैक्सीनेशन। और ये देखो किधर है वैसे बालों में ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये, लेकिन हर कोई बात नहीं, ये एक दफ़ा हो गया ना इसकी वैक्सीनेशन करवा दी है। दो से कह रहे थे अभी लगी हैं, नहीं एक अभी लगी है, ये दो हाँ 10/2/2024 वाली अभी लगी है, और एक कह रहा था नेक्स्ट मंथ आपने लगवानी है। और डीवार्मिंग की भी उन्होंने ना इसको गोली जो भी है वो इसको दे दी है, कह रहे थे कि अब हर 2 महीने बाद इसकी डीवार्मिंग करवा लेना। मेरे ख्याल से बस फेस वाला जो है ना वो थोड़ा सा इसके बराबर ही करवा लेता, वो बड़े बड़े ना अजीब ही लग रहे हैं, ऑकवर्ड से ही लग रहे हैं, है ना। कैसे इधर देख, ओए इधर देख शक्ल निकली है ना तेरी, हैं शक्ल निकली है ना इधर। चलो ये 2-4 काम थे इसके लिए तो फिनिश हुए, लेकिन बाल इसके आ जाएंगे एक महीने के अंदर अंदर हो जाएगा ठीक इंशाल्लाह। ये देखो ये बिल्कुल इधर से ना इसके ये देखो बिल्कुल इसका मांस निकल आया बाहर, उधर से बाल बिल्कुल साथ जुड़ के हुए थे। हाँ जी चलो बहुत शुक्रिया एवरीवन, लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करना। अब ये थोड़ा सा आराम करे, बड़ी देर का बेचारा बाहर घूम रहा था उधर। अल्लाह हाफिज़।